आरक्षण के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसमें तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, दो एमएलएस के घर को जला दिया गया। आज दंगर समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ करी है जलना में, ये क्या हो रहा है सर? मतलब दंगर वर्सेस मराठा, फिर माली वर्सेस समबडी एल्स, वंजारी वर्सेस समबडी एल्स, ये क्या हो रहा है सर? मतलब हैज द गवर्नमेंट लॉस्ट कंट्रोल, व्हाट हैज हैपेंड? राकेश जी साहब, देखिए रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है जी, यू कैन अंडरस्टैंड, बट ये जितने संगठन हैं, ये दिस संगठन आप देख लीजिए, ये अनऑर्गेनाइज है उधर। मतलब इस कोई भी ये संगठन है, जैसे मराठास के साथ आज मनोज जरांगे पाटिल साहब है, मगर बाकी संगठन उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी बात ये लोग मानते हैं। क्योंकि कभी आप उन देखते हैं कि कभी कभी आंदोलन शुरू हो जाती है मगर आंदोलन लीडरों के हाथ से भी निकल जाती है जी। वो क्योंकि आप लोगों को इकट्ठा लेके आ जाते हैं मगर उनको फिर कंट्रोल, उनके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी, क्योंकि जो सच्चा लीडर होगा उसके जो संगठन होंगे, उनके जो लोग रहेंगे वो उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका कहना मानना चाहिए। ये जो इंसिडेंट्स हुए ये सब अनफॉर्चुनेट है, इसका कोई उसको मतलब कोई वकालत नहीं करेगा कि हिंसा हो। जो भी बातचीत है, आपको डेमोक्रेटिक राइट है, आपको आंदोलन करना चाहिए और उस आंदोलन का रिप्रेजेंटेशन आपको कलेक्टर को देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को दीजिए, डेप्यूटी सीएम को दीजिए और आपको मांग करनी चाहिए। मगर कानून हाथ पे अगर ले लिया आपने तो ये आंदोलन का जो मकसद है कभी पूरा नहीं हो पाएगा।